नमस्कार साथियों, मैं हूं वंदना त्यागी आपके साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और प्रेम कहानी। आज भी दोस्तों, जब हमें किसी के प्यार की मिसाल देनी होती है तो सबसे पहले नाम आता है लैला मजनू। लैला मजनू नाम से अलग अलग समय पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन आज हम लेकर आए हैं वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म लैला मजनू की कहानी और इसके गीत। एक जान थे जज्बे इश्को वफा की शान थे। H.S. रावेल द्वारा निर्देशित ये फिल्म 11 नवंबर 1976 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के सभी गीत जबरदस्त हिट रहे थे। मदन मोहन के संगीत ने चारों ओर धूम मचा दी थी, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण इस अधूरे काम को पूरा किया संगीतकार जयदेव ने। साहिर लुधियानवी ने इस फिल्म के सभी गीतों की रचना की थी। इस फिल्म को लिखा था अबरार अलवी, H.S. रावेल और अंजना रावेल ने। लैला मजनू की मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ऋषि कपूर और रंजीता ने। इनके अलावा रंजीत, डैनी और इफ्तिखार भी अहम किरदारों में थे। फिल्म के ज्यादातर गाने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाए थे। इश्क़ो वफा की शान थे।
सुना लैला के वालिद ने ये हाल, शर्म आई और हुआ बेहद मलाल। उसने लैला से कहा मां तब न जाए, घर की चौखट से कदम बाहर न लाए। जो गुजरे एक नखलिस्तान से, देखते ही रह गए हैरान से हैरान से। तरह बचपन का ये मासूम प्यार दो कबीलों की दुश्मनी की भेंट चढ़ गया, आमरी और शर्बरी खानदान। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कई सालों के बाद एक मेले में दो अजनबी लोगों की आंखें चार हुई। दरअसल कैस और उसके दोस्त ऊंट खरीदने के लिए लैला के शहर जाते हैं, तभी अचानक तेज तूफान शुरू हो जाता है और एक दुपट्टा उड़कर कैस के ऊपर आ गिरता है। दो अजनबी एक दूसरे को देखकर अनजानी डोर से खींचे चले आते हैं और रात को कैस चोरी छिपे लैला की ख्वाबगाह में दाखिल होता है और वो पाजेब जो लैला ने मेले में पसंद की थी उसे लैला के एक पैर में पहनाकर चुपचाप लौट जाता है। सुबह उठकर लैला हैरान है कि आखिर कौन रात में उसके केवल एक पैर में पाजेब पहनाकर गायब हो गया है। तभी उसे उस अजनबी का ख्याल आता है। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके,
जलवे निगाहों में चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में क्रिसमस से जो हुआ है उस दीदार के सदके क्रिसमस से जो हुआ है उस दीदार के सदके उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके लैला का एक भाई है तबरीज जिसके साथ कैस की यहाँ वहाँ झड़प होती रहती है कभी सिपहसालार तो कभी लैला के पिता दोनों के झगड़े का बीच बचाव करते हैं। लैले के पिता कैस की जिंदा दिली और तहजीब से मुतासिर होते हैं लेकिन जैसे ही उन्हें कैस के खानदान और नाम का पता चलता है वो कैस को जल्द से जल्द शहर छोड़ देने का मशवरा देते हैं। कैस जो अभी तक लैला की सच्चाई से अनजान है कुछ समझ नहीं पाता। अगली रात कैस फिर पहुंच जाता है लैला के पास उसे दूसरी पाजेब पहनाने लेकिन ये क्या पहली पाजेब तो गायब है। कैस को लगा कि उसकी मोहब्बत ठुकरा दी गई है लेकिन नहीं लैला कहती है कि रोज एक पाजेब पहनाओ तो दूसरी साथ ले जाया करो ताकि ये सिलसिला कभी खत्म ना हो। कैस की हिम्मत बढ़ जाती है और वो लैला से उसके महल के बाहर कहीं मिलने को कहता है। उम्मीद के मुताबिक इल्तिजा कबूल होती है। फिर आती है मुलाकात की वो रात जब सारे जहां की बंदिशों से दूर दो दिल एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं।
हमसे अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए अब अगर हमसे लाख जंजीरों में जकड़े ये जमाने वाले लाख जंजीरों में जकड़े ये जमाने वाले तोड़ कर बंद निकल आएंगे आने वाले तोड़ कर बंद निकल आएंगे आने वाले शर्त इतनी है कि तू जलवा इतनी है कि तू जलवान मा हो जाए गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए अब अगर हमसे अब दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता चलती है। बरसों बाद बचपन की मोहब्बत को सामने पाकर दोनों की खुशी का ठिकाना न था। अब कैस को लैला के शहर से दूर नहीं जाना है, लेकिन उसके दोस्त इस खुदकुशी के लिए तैयार नहीं हैं। तब कैस उन दोनों अपने दोस्तों को भी इश्क का पाठ पढ़ा देता है और वो लैला की कनीज गुलबदन से इश्क फरमाने निकल पड़ते हैं। अगली रात कैस लैला को लेकर काजी के पास जाता है अपना निकाह पढ़वाने, लेकिन तभी लैला का भाई तबरेज वहां पहुंच जाता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। कैस को मरा हुआ जानकर तबरेज उसे रेतीली खाई में फेंक देता है और लैला को जबरदस्ती घर में लाकर कैद कर दिया जाता है। कैस को कुछ डाकू बचाकर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वो वहां से भी निकल जाता है और रेगिस्तान के वीराने में मारा मारा फिरता है। दुनिया के सितम याद न अपनी ही वफा याद, अब कुछ भी नहीं मुझको मोहब्बत के सिवा याद। उधर लैला का भी हाल कुछ ऐसा ही था। लैला के परिवार वाले उसे पीर बाबा की दरगाह पर लेकर पहुंचते हैं, जहां पर कैस पहले ही अपनी झोली फैलाए खड़ा है। आया हूं कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर...
मार के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ। कुछ जाने हैं हर गम पहचाने हैं, तू सब कुछ जाने हैं हर गम पहचाने हैं, जो दिल की उलझन है सब तुझ पे रोशन है, घायल परवाना हूँ वहशी दीवाना हूँ, घायल परवाना हूँ वहशी दीवाना हूँ, तेरी शौरत सुन सुन के उम्मीदें लाया हूँ तेरे दर पे, मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ। तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा। कितनी देर से तुम्हें पुकार रहा हूँ पीर बाबा, लेकिन अभी तक लैला के दीदार नहीं हुए। सुना था कोई भी सवाली तेरे दर से खाली हाथ नहीं लौटता, तो मुझ पर ही तेरे रहम व करम में इतनी देर क्यों। और फिर एकाएक लैला के दीदार होते हैं और कैस के हाथ दुआ में फिर से उठ जाते हैं। होके मायूस तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया, होके मायूस तेरे दर से सवाली न गया,
शोहरत है तेरी अनोखी शान तेरी निराली आन तेरी अनोखी शान तेरी निराली आन तेरी तू मस्ती का खजाना तेरा हर दिल दीवाना तू मस्ती का खजाना तेरा हर दिल दीवाना तू महबूबे खुदा है तू हर गम की दवा है तभी तो सब कहते हैं होके मायूस दूसरी तरफ बेटे की मौत की खबर सुनकर कैस के पिता पर बदला लेने का जुनून सवार हो जाता है और वो तलवार लेकर तबरेज पर टूट पड़ते हैं। न जाने कब और कैसे तबरेज की तलवार कैस के पिता के सीने के पार हो जाती है। उसी पल कैस वहां पहुंच जाता है, उसी की बाहों में उसके पिता दम तोड़ देते हैं। अपने पिता का खून देखकर कैस पर भी खून सवार हो जाता है। एक बार फिर तलवारें टकराती हैं और इस बार तलवार तबरेज का सीना छलनी कर देती है। मामला अदालत तक पहुंचता है। खून तबरेज ने कैस के वालिद को कत्ल किया और कैस ने तबरेज को। कानून का तकाजा है कि कातिल को सजाए मौत दी जाए, लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि एक सौगवार बेटे के जज्बात को भी मद्देनजर रखा जाए। कैस की जगह कोई और होता तो वो भी शायद अपने बाप के कातिल को जिंदा ना छोड़ता। इसलिए हम तुम्हारे साथ रियायत बरतेंगे कैस, सजाए मौत की बजाय हम तुम्हें शायद बदर करते हैं। हमारी सल्तनत छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। ये रियायत नहीं जहां पना, सितम है, कहर है। आप मुझे सजाए मौत दे दीजिए, लेकिन इस तक सजा मत दीजिए। तुम दीवाने तो नहीं? हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं और तुम उसे सजाए मौत से भी ज्यादा सख्त पाते हो। आप मेरी जान नहीं बख्शे जहां पना, मेरी जान को मुझसे जुदा करके जिंदा रहने का हुक्म दे रहे हैं। मौत दे दीजिए, लैला से दूर रह के जीने की सजा न दीजिए। ये लैला कौन है? मुझ बदनसीब की बेटी है शाहिनज, सरवरी खानदान की इज्जत, जिसे ये बेगैरत रुस्वा करने पे तुला हुआ है। गलत, बिल्कुल गलत। लैला मेरे जीने का मकसद है, मेरी जन्नत है वो। मैं वो सर जमीन छोड़कर कैसे चला जाऊं जहां मेरी जन्नत बसी है जहां पना। सारी जिंदगी उसके गिर्द तवाफ करूंगा, या तो उसको हासिल करके रहूंगा या उसके कदमों में दम तोड़ दूंगा। ऐसा दीवाना आशिक तो हमने आज तक नहीं देखा। इसका इश्क तो एक जुनून है, अच्छा खासा मजनू है। इस दीवाने की बेहुदा हरकतों ने तो जीना मुश्किल कर रखा है शाहनज। निजात दिलवाइए। सिपा सालार, इस मजनू को हमारी सल्तनत से बाहर निकाल दो, और अगर ये दोबारा इस शहर में नजर आए
तो हर खास तो आम इसे पत्थर मार मार कर निकाल दे। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर
شاہی فرمان کے مطابق لیلا قیس کو اپنی قسم دیتی ہے کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر چلا جائے، ایک دوسرے کو اپنی محبت کا واسطہ دے کر پھر ملنے کی امید میں دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف شہزادہ بخت، جو پہلے ہی لیلا کی ایک جھلک دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا ہے، لیلا سے شادی کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیلا کے والدین بھی اس رشتے میں اپنی رضامندی رکھتے ہیں، حالانکہ لیلا اور مجنو کے عشق کی داستان شہزادے کے کانوں تک بھی پہنچتی ہے، لیکن وہ اسے کوری افواہ سمجھ کر دھیان نہیں دیتا۔ ڈاکو کے سردار، جس نے ایک بار پہلے بھی قیس کی جان بچائی تھی، اسے خبر ملتی ہے کہ شہزادہ بخت امیر شروری کی بیٹی لیلا کو بیاہنے جا رہا ہے۔ سردار کو یاد آتا ہے کہ یہ وہی مجنو کی لیلا ہے۔ ڈاکو اس ہیرے زوارات سے لدی بارات کو لوٹنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ریگستان کے بیابان ریتیلے راستوں سے ہو کر لیلا کی ڈولی جا رہی ہے۔ بیابان ریگستان میں قیس بھی مجنو بن کر اپنی محبت کی منزل تلاش رہا ہے۔ برباد محبت کی دعا ساتھ لیے جا، برباد محبت کی دعا ساتھ لیے جا، ٹوٹا ہوا اقرار وفا ساتھ لیے جا، لیے جا۔ ایک دل تھا جو پہلے ہی تجھے سونپ دیا تھا، ایک دل تھا جو پہلے ہی تجھے سونپ دیا تھا، یہ جان بھی ہے جان ادا ساتھ لیے جا، یہ جان بھی ہے جان ادا ساتھ لیے جا۔ رات میں آرام کرنے کے لیے شادی کا قافلہ ایک جگہ رکتا ہے۔ اپنی سہاگرات کے سمے لیلا شہزادے پر یہ راز ظاہر کر دیتی ہے کہ وہ قیس سے محبت کرتی ہے۔ شہزادہ بخت بھی لیلا سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تک اس کے دل میں کسی اور کے لیے محبت ہے، وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگائے گا۔ اسی سمے قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو جاتا ہے اور شہزادے بخت اور ڈاکوؤں کے سردار کے بیچ تلواریں کھنچ جاتی ہیں۔ شہزادہ ڈاکوؤں سے لیلا کو بچا لیتا ہے اور اس مٹ بھیڑ میں سردار کے ڈاکو گھائل ہو جاتا ہے۔ ادھر مجنو بنے قیس کو پورا یقین ہے کہ ضرور لیلا نے کسی مجبوری میں ہی شہزادے سے نکاح کیا ہے۔ قبرستان کے ویرانوں میں بھٹکتے ہوئے قیس کو کسی کی تلاش ہے جو اس کا پیغام لیلا تک پہنچا سکے۔ انسانوں پر سے تو بھروسہ اٹھ چکا ہے، ایک ہرن کے ذریعے وہ اپنا پیغام لیلا کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ موک پرانی بھی
अपनी दर्द भरी आंखों से कैस का सारा हाल बयां कर देता है। मेरे कासिद तू जब पहुंचे मेरे दिलदार के आगे, अदब से सर झुकाना हुस्न की सरकार के आगे, जुबां से गर न कह पाए तो आंखों से बयां करना मेरे गम का हर एक किस्सा मेरे गम खार के आगे। याद में आहे भरता है, याद में आहे भरता है, लिख कर तेरा नाम जमीन पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है, लिख कर तेरा नाम जमीन पर उसको सजदे करता है। सायों को लिपटाता है और लैला लैला करता है, लैला लैला करता है, लिख कर तेरा नाम जमीन पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है। खुद को भूल गया है लेकिन तेरी याद नहीं भूला, तेरी याद नहीं भूला। दिल के जितने जख्म है उनमें तेरा ही अक्स उभरता है, तेरा ही अक्स उभरता है, लिख कर तेरा नाम जमीन पर, लिख कर तेरा नाम जमीन पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है, सायों को लिपटाता है और लैला लैला करता है, लैला लैला करता है। कहना मेरे दीवाने से, कहना मेरे दीवाने से, लैला तेरी अमानत है, लैला तेरी अमानत है, तेरी बाहों में दम देगी तू जिसका दम भरता है, तू जिसका दम भरता है, दिल के जितने जख्म है उनमें तेरा ही अक्स उभरता है, तेरा ही अक्स उभरता है। सदके कासिद पर जिससे ये पैगाम मिला, जिससे ये पैगाम मिला, मेरा कातिल मेरा मसीहा अब भी मुझ पर मरता है, अब भी मुझ पर मरता है, मेरा कातिल मेरा मसीहा, मेरा मसीहा मेरा।
قاتل میرا مسیحا اب بھی مجھ پر مرتا ہے اب بھی مجھ پر مرتا ہے قیس کو مجنو کی طرح ریگستان میں بھٹکتے ہوئے ڈاکوں کا سردار دیکھ لیتا ہے جس کے چہرے پر شہزادہ بخت کے دیے گھاووں کے نشان ابھی بھی ہیں۔ وہ قیس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور اسے لیلا سے ملوانے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ قیس سے لیلا کے نام ایک خط لکھنے کو کہتا ہے جسے وہ لیلا تک پہنچا دے گا، ایسا یقین وہ قیس کو دلوا دیتا ہے۔ اصل میں وہ شہزادے سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ قیس کے خط کے جواب میں لاچاری اور مجبوری کے چند آنسوؤں کے قطرے ہی آتے ہیں۔ بار بار شہزادے بخت کی محبت کی گزارش سے پریشان ہو کر لیلا زہر کھا لیتی ہے۔ اس کی طبیعت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ پورے شہر میں شاہی اعلان کیا جاتا ہے کہ سبھی ملکہ لیلا کے لیے دعا کریں، ساتھ ہی یہ بھی کہ محل میں ملکہ کی جان کا صدقہ اتارا جائے گا، فقیر اور ضرورت مندوں کو خیرات عطا کی جائے گی۔ قیس بھی پہنچ جاتا ہے اپنی دعاؤں کا اثر لے کر۔ قضا ظالم صحیح، یہ ظلم وہ بھی کر نہیں سکتی، جہاں میں قیس زندہ ہے تو لیلا مر نہیں سکتی، یہ دعویٰ اپنانے کی خاطر آج بین شوق کے سجدوں کو اپنانے کی خاطر آج بین شوق کے سجدوں کو اپنانے کی خاطر یہ دیوانے کی ضد ہے اپنے دیوانے کی خاطر دیوانے کی خاطر۔
पुकारूं, सामने आ जा मैं तेरे हुस्न का सदका उतारूं, सामने आ जा तू मेरे सामने आ जा, तू मेरे सामने आ जा। गिरे बाधज्जियां कर कर कवारूं, सामने आ जा, गिरे बाधज्जियां कर कर कवारूं, सामने आ जा। शिकस्ता पर शिकस्ता पर शिकस्ता पर परेशान हाल परवाने की खातिर आशिकस्ता पर परेशान। कैस की पुकार सुनकर लैला होश में आ जाती है और कैस की ओर दौड़ पड़ती है और इस बेअदबी के लिए कैस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डाकू का सरदार जाबिर भी फकीर का भेष बदलकर पहुंच जाता है शाही महल। उधर शहजादे की कनीज जरीना कैस को जेल से रिहा करा के लैला के पास पहुंचा देती है और शहजादे के सामने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़वा देती है। कैस को जेल में डालकर कोड़े बरसाए जाते हैं लेकिन उन कोड़ों का असर लैला पर दिखाई देता है। आखिरकार शहजादा बख्त लैला और कैस की मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत जानकर उनका एहतराम करता है। लैला और कैस के निकाह का ऐलान हो जाता है। शहजादा बख्त फकीर बने डाकुओं से मिलने जाता है। वहां पर डाकुओं का सरदार अपना बदला लेने के लिए शहजादे पर तलवार से वार करता है और लैला को लेकर फरार हो जाता है। कैस उसके पीछे लैला को बचाने जाता है। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में लैला डाकू से बचकर भागती है तो वो उस पर खंजर से वार करता है। कैस भी डाकुओं से लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो चुका है। बमुश्किल दोनों एक दूसरे तक पहुंचते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे के आगोश में सो जाते हैं। लैला मजनू दो बदन एक जान थे जज्बे इश्क़ो वफा की शान थे। आज के सिनेमाघर कार्यक्रम में आपने सुनी 1976 की फिल्म लैला मजनू की कहानी और उसके गीत। इसी के साथ आज का सिनेमाघर अब समाप्त होता है। मुझे यानी वंदना त्यागी को इजाजत दीजिए।